ओ माय गॉड, जीतते रहो जीतते रहो। गाइस मुझे लगा मैं घूमूंगी, मम्मी लगाएगी डंडे। माय फर्स्ट पेमेंट ऑन यूट्यूब। किसका है ये तुमको इंतजार। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम ओली से आ चुके थे, ये तो आपको देख ही लिया था। आज मैं उठी हूँ 10 बजे। गाइस मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी, नींद पूरी नहीं हुई थी, तो अच्छे से सोई हूँ। मैं उठूंगी और फिर फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर देखते हैं आज का क्या प्लान है। तो देखते हैं, चलिए चलते हैं। और गाइस मेरा ये हाथ बहुत ज़्यादा मतलब पेन कर रहा है आजकल। मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था मेरे हाथ में पेन हो रहा है बोल के, तो ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं अभी हॉस्पिटल जाऊँगी, पहले तो मैं इसका चेकअप कराऊँगी, क्योंकि मैं कुछ भी ग्रिप बनाने की कोशिश कर रही हूँ या मैं कुछ उठा रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो अभी देखते हैं इसका क्या इलाज है, डॉक्टर से पूछते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना कमरा, मम्मी ने बोला था कि कमरा अपना मिला लेना, तो पहले मैं अपना ये कमरा जो भी मेरा ये देख रहे हो आप, ये सब ये कपड़े वपड़े ये सब मैं पहले मिला लूँगी अच्छे से ताकि डांट ना पड़े। तो ये मिलाने के बाद चलते हैं कहीं, देखते हैं आज का क्या प्लान होता है। तो गाइज अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और तैयार भी होके मैं निकल रही हूँ। पहले हॉस्पिटल जाऊँगी मम्मी के साथ, मम्मी को लेने के लिए, फिर उसके बाद अपना हाथ चेकअप वेकअप करा के फिर देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद घूमने जाऊँगी, घूमने मतलब ऐसे ही देखते हैं, थोड़ी गेड़ी मारते हैं। चलिए चलते हैं। ये अपनी धनु को निकाला है मैंने और अब मैं जा रही हूँ। वैसे यहाँ का मौसम देख सकते हो आप, कितना मस्त हो रखा है गाइस, एकदम धूप, अच्छा वाला धूप हो रखा है, इतना ठंडी भी नहीं है, एकदम मस्त मॉडरेट हो रखा है मौसम भी। सो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ आंटी के घर में मम्मी को लेने के लिए। हेलो भाई, ओ माय गॉड, जीतते रहो जीतते रहो जीतते रहो पुत्र। मम्मी को देखो ये यहीं पे पड़ी रहती है इनको कोई काम नहीं है, अपना घर बार छोड़ के मुझे घर में छोड़ के यहीं पड़ी रहती है। हाय बोल दो मम्मी। तो फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे वेलमेट हॉस्पिटल। अब जाके देखती हूँ कि डॉक्टर है कि A few moments later. अब बताओ गाइस इतने दूर हॉस्पिटल आने के बाद इतने बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है हड्डी का, तो अभी मैं कहीं और जा रही हूँ, यहाँ पे तो डॉक्टर ही नहीं है। सो गाइस मैंने सोचा था कि मैं घूमने के लिए आऊंगी, पर मेरा दोस्त अपने काम के लिए यहाँ लेकर आ रखा है और बाहर पूरा मौसम खराब हो चुका है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको बाहर जाके मौसम दिखाता है। तो अभी तो इतना भयंकर तूफान चल रहा था, अभी अचानक से धूप आ गया है, बट अभी बहुत बारिश बारिश जैसा हो रहा था, आगे जाके बारिश ही हो रही होगी, पता नहीं होगा। देख सकते हो आप मौसम। गाइस मुझे लगा मैं घूमूंगी बट काम ही कर रहा है ये। अब देखते हैं क्या होगा उसके बाद, फिर निकलते हैं। तो दोबारा हो गया मौसम ख़राब, ओ वहाँ से धूल उड़ती हुई आ रही है और बारिश भी हो रही है। बेचारे अंकल का सारा सामान गिर गया। बाप रे, सो गाइस फाइनली काम खत्म हो गया और अब मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, बट मौसम ने जो बर्बाद कर दिया ना मेरा घूमने का मूड, बट फिर भी कोई नहीं, मैं जाके ही रहूँगी। सो अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार वाले रोड में, देखते हैं बीच में क्या क्या मिलता है, जो भी मिलेगा वो मेरे साथ आप भी देखना। सो देहरादून का मौसम देखो आप, इसीलिए देहरादून अच्छा है क्योंकि यहाँ का मौसम जज्बात की तरह बदलता रहता है। अभी धूप आएगी, अभी फिर कभी बारिश, कुछ भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है यहाँ का। तो जो लोग देहरादून नहीं आए प्लीज आइए, विजिट करिए, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो सबसे बेस्ट जगह है और एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। ये वही वाला गाइस, ये वही वाला पुल है जो रील में नहीं दिखा था, ऊपर से ड्रोन से शूट हुआ था, जो बीच में टूट गया था, ये वही पुल है, देख सकते हो। खाने के लिए यहाँ रुके थे बट यहाँ का तूफान इतना भयंकर हो रहा है, ये देखो पूरा हिल रहा है गाइस। तो अभी हमने कुछ खाने के लिए मंगाया है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्या खाएंगे हम। तो गाइस हमारा फ्रेंच फ्राइज भी आ गया है और हमने मंगाया था चिकन मसाला फ्रेंच फ्राइज मंगाया था, जो बिल्कुल भी फ्रेंच फ्राइज लग नहीं रहा है, इतना मोटा फ्रेंच फ्राइज कभी देखा है आपने। टेस्ट करते
टेस्ट ठीक है, क्रंची नहीं है, सॉफ्ट है, बट इतना मोटा है ये। सो इतना वेट करने के बाद अभी आ चुका है, बट अच्छा सब्जी इधर है, मेरे सब्जी नहीं है। सो ये हमने रोटी मंगाया था विद चिकन मसाला। सो मैं आज मिर्ची भी खाऊंगी। कहाँ गया? खाना अच्छा है, सिंपल है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, क्योंकि हर जगह स्पाइसी होता है, तो मैंने पहले ही बोल रहा था कि ज़्यादा स्पाइसी मत करना। सो गाइज, आप ये सोच रहे होंगे कि आप अपने दोस्त को क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो घर से भाग के आया है, इसलिए मैं नहीं दिखा रही, मजाक कर रही हूँ। वो बहुत साय पर्सन है, तो फिर वो नहीं आना चाहता कैमरे में, तो कोई नहीं यार, मेरे को देखो और इन्जॉय करो मैंने क्या क्या किया आज सुबह से शाम तक, वो आप देख सकते हो। बाकी अब खाते हैं अच्छे से, फिर मिलते हैं। सो अभी हमने खाना वाना खा लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर, और पूरा रात हो चुका है। अभी मम्मी लगाएगी डंडे, मम्मी को पता भी नहीं है, तो अभी चलते हैं फटाफट। और इतना ठंडा हो रहा है ना यहाँ पे, बाप रे। अभी हमने सोचा था गर्मी आ गया, फिर से ठंडा स्टार्ट हो गया है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पे और मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है, उसके लिए थोड़ा वेट करिए, तब तक मैं फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी क्या है वो खुशखबरी। इसको देखो कितना खुश हो रही है अभी। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। सो गाइज, ये है मेरा गूगल एडसन, और ये मुझे काफ़ी टाइम पहले आ गया था, बट इसको कैसे यूज़, मतलब पिन वगैरह कैसे यूज़ करना है वो मुझे पता नहीं था, तो धीरे धीरे मैंने किया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे वेरिफिकेशन में, तो मतलब बहुत टाइम हो गया था, वेरिफिकेशन हो नहीं रहा था। फिर मेरा हेल्प वर्षा ने किया था कि कैसे इसको मतलब पिन वगैरह करना है, तो उसने भी किया था, तो तब भी नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम लग रहा था आने में। तो गाइज, फाइनली माई फर्स्ट पेमेंट ऑन यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइज, ये सब आपके कारण हुआ, और सबसे ज़्यादा तो वर्षा लोग ने जो मेरा इतना सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे को इस फील्ड में आना ही नहीं था, मतलब मुझे, मैं बहुत साय हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से इतना बात नहीं करती, बट ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, ये सब वर्षा लोग के कारण ही हो रहा है, और आप लोग के कारण हो रहा है, जो आप मुझे इतना प्यार दिखा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सबको, वर्षा को, मेघा को, आकाश को, सबको, उनकी फैमिली को, थैंक यू सो मच जो मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरा तो मतलब, मैं कभी भी, मुझे लगता नहीं था कि मैं ऐसे यूट्यूब में आऊँगी और मैं वीडियो वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह बनाना इतना पसंद नहीं था, और मुझे आता भी नहीं था, और इस फील्ड के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं था, बट उन लोग ने मुझे इतना मोटिवेट किया, मतलब इतनी अच्छा लग रहा है ना कि चलो, मतलब मेरे, मुझे इतने लोग जानने वाले हैं, मतलब 18,000 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं क्रॉस, मतलब 18,000 लोग मुझे जानते हैं, और मैं इतना बोलती भी नहीं थी पहले, मैं कैमरे के सामने इतना बोलती नहीं थी, आप मेरा पिछले वीडियो जाके देख सकते हो, बट मैं अब इतना बोलने लग गई हूँ, मतलब बहुत मेरी लाइफ में बहुत कुछ है जो चेंज हो गया है अब, और वो सब आप लोग के कारण है। थैंक यू गाइस, और थैंक यू वर्षा, सबसे ज़्यादा तो तुझे यार, तूने मेरा मतलब लाइफ ही चेंज कर दिया है, और इतना मतलब मुझे सपोर्ट किया है, और हमेशा ही करती रहती है कि तू ये कर सकती है, वो कर सकती है, और देख मैं कर रही हूँ, थैंक यू, थैंक यू। फिर आप मुझसे पूछोगे गाइस कि आपका पेमेंट कितना आया है, ये वो, तो ये तो मैं बता नहीं सकती, आपको भी पता है यूट्यूब का रूल, ये बहुत हरामी हो चुकी है, शकल देखो इसका, अभी मुंह भी नहीं लगा रही मुझसे, क्या हो गया तुमको, क्या हुआ है तुमको, क्या हुआ, खाने को नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैंने ये बो लिया था, इसने देखो गाइस कैसा कर दिया बो का हालत, हालत देखो इसका, जितना नलाओ ऐसी हो जाती है ये बदतमीज लड़की। गाइज, मैं हॉस्पिटल गई थी, बट उस समय मुझे डॉक्टर कोई मिला नहीं, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट लेके जाऊंगी, और जहाँ मैं वेलमेट में गई थी वहाँ पे तो डॉक्टर ही नहीं था, नेक्स्ट जगह कहीं भी जाऊंगी तो मैं अपॉइंटमेंट लेके ही जाऊंगी, अभी फ़िलहाल ठीक है, बट फिर भी पेन तो अंदर से चुभ ही रहा है मुझे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग गाइज, और क्या बोलूँ, और मैं ये बोलूँगी कि मेरा आगे ऐसे ही वीडियो आप देखते रहिएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।